प्रश्न छह, परवलय वाई स्क्वायर बराबर एक्स तथा रेखा एक्स प्लस वाई बराबर दो के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम पहले परवलय वाई स्क्वायर बराबर एक्स को अनुरेखण करेंगे। यह हमारा हो गया वाई अक्ष और यह हमारा हो गया एक्स अक्ष। वाई स्क्वायर बराबर एक्स मूल बिंदु से होकर गुजरता है, शीर्ष इस परवलय का मूल बिंदु है, दाहिनी ओर से यह खुला हुआ है, इस प्रकार का वक्र होगा। समीकरण में वाई स्क्वायर आ रहा है अर्थात ये एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है। अब हम रेखा को देखते हैं, यह हमारा मूल बिंदु है ओ, निर्देशांक हो गए 0, 0। अब हम रेखा के समीकरण को देखते हैं, समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर दो। इसका अनुरेखण करने के लिए हमें रेखा पर दो बिंदु चाहिए। हमने एक तालिका बनाई, टेबल बनाई, यहां लिखा एक्स और यहां लिखा वाई। एक्स बराबर जीरो लेना है और वाई बराबर जीरो लेना है, दो बिंदु ज्ञात करने के लिए। जब एक्स जीरो है तो वाई का मान दो है, जब वाई का मान जीरो है तो एक्स का मान दो है, अर्थात हमें दो निर्देशांक प्राप्त हो गए। एक निर्देशांक तो हो गया 0, 2 और दूसरा बिंदु हो गया 2, 0, दूसरा निर्देशांक 2, 0। इसको हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लें। ये बिंदु तो हमारा हम मान लेते हैं 0, 2 और दूसरा बिंदु है 2, 0। मान लिया ये बिंदु ये है, इन दोनों को हमने मिला दिया। इस प्रकार से हमने सरल रेखा प्राप्त की। ये बिंदु हमारा क्या है 2, 0। तो रेखा का समीकरण लिख लें यहां पर x प्लस वाई बराबर दो। वक्र का समीकरण है वाई स्क्वायर बराबर एक्स। अब हमें दोनों के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात हमें इस क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। अब हम प्रतिच्छेदित बिंदुओं के निर्देशांकों को ज्ञात करेंगे, अर्थात हमें एक तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, एक हमें इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? दोनों वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स और रेखा एक्स प्लस वाई बराबर दो, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो यहां कर लेते हैं, वाई स्क्वायर बराबर तो एक्स है, ये परवलय का समीकरण है, वक्र का समीकरण है। एक्स प्लस वाई बराबर दो है जो हमें देता है एक्स बराबर दो माइनस वाई। एक्स का मान हमने यहां रख दिया तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, वाई स्क्वायर बराबर हो गया 2 - y, अर्थात वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 = 0। गुणनखंड करें तो वाई स्क्वायर प्लस 2y - y माइनस 2 = 0 होगा। y कॉमन आ गया, y प्लस 2 ब्रैकेट में, माइनस कॉमन ले लिया, y प्लस 2 ये 0 के बराबर है। तो y प्लस 2 कॉमन ले लिया, वाई माइनस 1 = 0, यह हमें प्राप्त होता है। इसलिए वाई का मान आ गया माइनस 2 और वाई बराबर 1। अर्थात जब मैं वाई का मान माइनस 2 लेता हूं तो वाई बराबर माइनस 2 पे एक्स का मान कितना आ जाएगा, 2 - -2, एक्स का मान आ गया 4। और जब मैं वाई बराबर 1 लेता हूं तो x का मान आ गया 2 - 1 अर्थात 1। तो हमारा एक प्रतिच्छेदित बिंदु तो हो गया 4, -2 और दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया 1, 1। ये हमें प्रतिच्छेदन बिंदुओं के निर्देशांक मिल गए। 1, 1 ये तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। हम इस बिंदु को यदि a मान लें तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 1, 1 और 4, -2 ये यहां ये वाला बिंदु होगा जो चौथे चतुर्थांश में है, इसको हम मान लेते हैं B, इसके निर्देशांक हो गए 4, -2।
ये हमारा बी बिंदु का निर्देशांक है। अब मैं इसको भी मिटा देता हूं और अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अब हम काम करते हैं। अब देखो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, इसको यदि हम समाकलन के रूप में लिखें तो ये किस प्रकार से बनेगा। ए बिंदु तक यदि हम एक्स अक्ष के ऊपर की बात कर रहे हैं तो ए बिंदु तक अर्थात इस बिंदु तक यदि हम ए से लंब डालें एक्स अक्ष पर तो इस बिंदु तक, इसका हमने नाम डाल दिया सी, और बी बिंदु से मैंने लंब डाला एक्स अक्ष पर और इसका हमने नाम डाल दिया डी। तो जब मैं ओ सी ए इस क्षेत्रफल को ज्ञात करता हूं तो वक्र ऊपर की ओर है और सी बिंदु के निर्देशांक क्या है, 1.0 है, क्योंकि ए बिंदु का एक्स निर्देशांक 1 है। इसी प्रकार बी बिंदु का जो एक्स निर्देशांक है वो है 4, तो बी बिंदु का एक्स निर्देशांक तो हो गया 4.0 क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो गया, हमारा क्षेत्रफल हो गया ओ सी ए जिसमें वक्र ऊपर की ओर है, वक्र से वाई स्क्वायर बराबर एक्स है तो वाई का मान हो गया अंडर रूट एक्स। इंटीग्रल ये इसकी लिमिट हो गई 0 से 1 अंडर रूट एक्स डी एक्स। एक तो ये क्षेत्रफल हो गया, दूसरा क्षेत्रफल हो गया। अब मैं इस बिंदु को ई ले लेता हूं तो सी ई ए इस क्षेत्रफल को देखते हैं तो सी ई ए क्षेत्रफल के लिए रेखा ऊपर की ओर है, रेखा से वाई का मान कितना है 2 - x है, तो इंटीग्रल लिमिट तो हो गई हमारी 1 से 2 तक। यहां x बराबर 1 है, यहां x बराबर 2 है, y का मान है 2 - x dx, एक हमारा क्षेत्रफल ये हो गया। अब x अक्ष के नीचे की ओर के क्षेत्रफल को देखें तो यदि मैं इस संपूर्ण क्षेत्र में से ये क्षेत्रफल घटा दूं तो मुझे ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा जिसको मैंने आच्छादन किया। तो संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए तो मुझे ये वक्र का समीकरण लेना है, तो मैंने क्या किया, समाकलन लिमिट क्या होगी 0 से 4 तक, 0 से 4 वक्र का समीकरण लेना है। वक्र का समीकरण क्या है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो अंडर रूट एक्स डी एक्स ये मुझे लेना है और इसमें से इस क्षेत्रफल को घटाना है डी ई डी, इस क्षेत्रफल को घटाना है तो माइनस कर दिया मैंने, लिमिट क्या है 2 से 4, वाई का मान कौन सा लेना है, ये सरल रेखा से लेना है 2 - x डी एक्स ये मुझे मिलता है। अब क्योंकि ये नीचे की ओर है तो हमें धनात्मक मान लेना होगा, इसको भी मैंने मॉडुलस में कर दिया और इसको भी मैंने मॉडुलस में कर दिया, दोनों मानों को मैंने मॉडुलस में कर दिया क्योंकि ये एक्स अक्ष से नीचे की ओर है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो अंडर रूट एक्स का हो गया एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 ये मुझे मिला, लिमिट है 0 से 1 प्लस, अगले को देखें 2x - x²/2 लिमिट क्या है 1 से 2 तक, अगला देखें प्लस नीचे कर लेते हैं प्लस, यहां आ गया 2x अंडर रूट एक्स का हो गया x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 लिमिट है 0 से 4 तक, मॉडुलस में है माइनस, मॉडुलस में क्या है 2x - x²/2 लिमिट, लिमिट हमारी क्या है कहां से 2 से 4 तक, ये हमारे को प्राप्त होता है। सरल करते हैं अब इस मान को, x बराबर 1 लिखेंगे तो 1 की पावर 3/2 तो 1 हो गया,
नीचे क्या है, 3/2, तो मान आ गया 2/3। एक्स बराबर 0 रखने से ये मान 0 हो जाएगा। अब इसको देखें, प्लस एक्स बराबर 2 रखा तो मान आ गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 अर्थात 2, माइनस किया। एक्स बराबर 1 लिखना है तो 2 माइनस 1/2 ये मुझे मिलता है, प्लस मॉड्यूलस में एक्स बराबर 4 रखना है तो ये हो गया 4 × 4 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट होता है 2/3/2 माइनस 0 रखने से 0 है तो मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका मॉड्यूलस माइनस किया, मॉड्यूलस एक्स बराबर 4 रखा तो 4 रखने से मुझे क्या मिला, 8 − 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16/2 अर्थात 8, माइनस किया। एक्स बराबर 2 रखा तो मान कितना आ गया, 4 − 2 का स्क्वायर 4/2 अर्थात 2, ब्रैकेट बंद, मॉडुलस ये मुझे प्राप्त हुआ 2/3, ये मान हो गया 2 − 1/2, 2 − 1/2 हो गया 3/2 माइनस का, तो माइनस का 3/2 ये मुझे मिला। यहां से ये 2 अब ऊपर जाएगा तो मान कितना हो जाएगा, 4 × 8 × 16/3, प्लस का 16/3 माइनस किया, ये मान 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 − 2 तो 2 आया, माइनस का है, मॉड्यूलस में है तो प्लस का हो जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस का 2, ये मुझे प्राप्त हुआ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मान कितना आ गया, मान आ गया हमारा लघुत्तम तो हो गया 6, ब्रैकेट सरल करने से 4 − 9 प्लस 16 × 32 मान कितना आ गया, 34 − 9 34 − 34 तो यो 36 मान आ गया, 32 + 4 = 36 तो प्लस का है, माइनस का है 9 अर्थात मान आ गया 27 27/6। सरल करते हैं, 3 से कट रहा है तो 3 × 6 और 3 × 9 = 27 अर्थात 9/2 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल 9/2 वर्ग इकाई के बराबर है।